सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में सरकारी अस्पतालों में मनमानी चल रही है। यहाँ के सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर मरीजों के इलाज पर ध्यान नहीं देते। सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों को सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। इससे सरकारी चिकित्सा सेवाओं की छवि बिगड़ रही है। सुविधा होते हुए भी इलाज नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जाँच की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आम आदमी के साथ ये सुविधा अगर इस प्रकार की गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिल रही तो क्या होगा। ले देकर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल रिफर किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में आप नौकरी कर रही हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाकर क्यों उसको जो है लोगों को पैसे लेना वसूलना और लोगों को परेशान करना। आप मॉर्निंग में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और शाम प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब कर रहे हैं, इस प्रकार का क्या है। जब मैं दिखाने गया दोपहर 12:30 बजे, जब मैडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी वही दिखाने गया, हमारे मैडम ने देखा भी नहीं, सीधे यही बोला कि नो डेट में आइए, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं मजबूर हो गया था, क्या करता हूँ, मुझे दिखाने में जाना पड़ा। जब दिखाने गया तो मैंने नहीं सोचा मुझे इतना खर्चा दे देंगे, वहाँ पर भी नॉर्मली लगा था जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ अवेलेबल थे उसी से वहाँ उन्होंने काम किया। बहुत बड़ा वहाँ इमोटेट में कोई बहुत बड़ी सुविधा वाला काम नहीं था, वो चीज़ें हो सकती थी पर उन्होंने करना नहीं चाहा। जिन्होंने कंप्लेंट करी है मिस्टर सोनी, वो मेरे पास आए थे और उनके द्वारा मेरे को जो ये कंप्लेंट बताई गई है और उनके द्वारा 181 पे शिकायत भी करी है और ये मेरा अभी ही संज्ञान में ये चीज़ आई है और इसके लिए मैंने मैडम को 181 के द्वारा जो हम स्पष्टीकरण लेते हैं वो ले लिया है और इसमें आगे अगर कुछ भी गलत होता है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।